हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू जेके करीम्स किचन। आज हम इस वीडियो में बहुत ही हेल्दी और जल्द से बनने वाली, आसानी से बनने वाली ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं, रागी इडली। ये बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए हम एक ग्लास उड़द दाल लिया है। आप एक कप लेंगे तो सेम क्वांटिटी से आप सब कुछ ऐड कर लीजिए। मैंने ग्लास लिया है यहाँ पे, और उसी ग्लास से हम साबुत रागी ऐड कर लिया है, और उसी के साथ इडली रवा, इसको भी ऐड कर लेंगे हम सेम क्वांटिटी सेम ग्लास से। और इसको अच्छे से धोए, दो बार धो लेके पानी से आप भिगो लीजिए। पानी डाल के आप चाहें तो इसमें इडली चावल भी डाल सकते हैं उड़द दाल के साथ, ऐसे ही भिगो के रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पे उड़द दाल को स्मूथ पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। ऐसे ही हम रागी को भी ऐसे ही स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और मैंने रागी को स्मूथ पेस्ट बना लिया है और उसको उड़द दाल के साथ, उड़द पेस्ट के साथ ऐड कर लिया है एक बाउल में। और अभी हम पानी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, रवे से हम पानी निचोड़ के हम बैटर में ऐड कर रहे हैं। रागी और उड़द दाल के पेस्ट के साथ इसको जब इस तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इडली रवा में बिल्कुल ही पानी ना रहे, वरना ये बैटर पतला हो जाएगा। अब ये देखिए, इसे थिक पेस्ट बना लिया है। ऐसे ही बैटर ऐसे ही ऐसी कंसिस्टेंसी में रहनी चाहिए परफेक्ट इडली के लिए। अब इसको हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे 4 घंटों फर्मेंट करने के लिए रख दिया है। देखिए ये रागी का कलर है, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर ले। ध्यान रहे कि ज़्यादा मिक्स ना करें, ये फर्मेंट हो गया है। अभी हम ज़्यादा मिक्स करेंगे तो उसमें जो एयर फॉर्म हुआ है वो निकल जाएगा। अभी हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लिया है। अगर समर हो तो बैटर जल्द से फर्मेंट हो जाएगा, 3 से 4 घंटों में ही फर्मेंट हो जाएगा। अगर विंटर सीजन है तो आप 4 से 5 घंटों तक फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। अभी मैंने यहाँ पे इडली प्लेट्स लिया है और इसको घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ऐसे करने से इडली पक जाने के बाद आसानी से प्लेट से निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया है घी से, और इसमें ऐसे ही सारे प्लेट्स घी से ग्रीस कर लीजिए, और उसके साथ थोड़ी सी बैटर लेके फिल कर लीजिए। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे रख के 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। देखिए ये पक चुका है, अभी हम सर्व कर ले हैं। घी से सर्व करेंगे नारियल चटनी और अदरक की चटनी के साथ। परफेक्ट साउथ इंडियन रागी इडली रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी रहते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए अभी इडली कितना सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। ये चटनी से तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के लिए जेके करीम्स किचन्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।